अस्सलामुअलैकुम जी, आज हम न्यू टॉपिक के साथ हाज़िर हुए हैं कि किस तरह हम लीचीज़ को ग्रो कर सकते हैं। ये तीन बीज हैं जो हमने कलेक्ट किए हैं, ठीक है, जो कि ये कोई कहीं से हमने बाय नहीं किए, ये वही लीचीज़ है जो हम अमूमन खाते रहते हैं, ठीक है। ये हमने तीन बीज कलेक्ट किए हैं जो कि हमने अच्छे से वॉश किए हैं ताकि इसमें कोई फ्रूट की चिकनाहट वगैरह ना रह जाए, जिसकी वजह से ग्रोथ रुक जाती है, ग्रोथ नहीं होती इसकी। सो अलबत्त हम फिर भी इसको वॉश करेंगे। ये हमने एक कंटेनर लिया है जिसमें हम इसको अच्छे से वॉश करेंगे। सो इसे हम इसी तरह अच्छी तरह वॉश करेंगे, बिल्कुल इसमें बिल्कुल चिकनाहट ना रहे। इसे दो से तीन बार वॉश करना है। मैंने तो इससे पहले कबल वॉश कर लिया इसको, ठीक है। ये अच्छे से वॉश हो गए हैं। अब हम एक दूसरा कंटेनर लेंगे जिसमें हम इतना पानी डालेंगे ताकि ये इसमें फुल डिप हो जाए। अब हम इसे इस पानी के अंदर रखेंगे, ठीक है, जो कि कुछ दिन का इसका प्रोसेस है और एक से दो दिन में आपको इसका पानी चेंज करना होगा ताकि ये इसमें चिकनाहट ना रहे। सो गाइस, अब जब इसको रखेंगे तो उसको ऊपर इसका केप रखेंगे ताकि इसकी जो प्रोग्रेस है वो बिल्कुल सही चलती रहे। सो गाइस, हमने इसको शेडी एरिया में रखा है ताकि ये रूम टेम्परेचर के मुताबिक हो, ना रूम टेम्परेचर तेज़ हो ना गर्म हो। आपको एसी वाले रूम में बिल्कुल नहीं रखना है, अपने रूम के किसी भी कोने पर रख देना है ताकि इसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ये रखा रहे। हम आपको कुछ दिन बाद मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह इसकी न्यू अपडेट के साथ। अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, आज हम न्यू डे के साथ हम हाज़िर हुए हैं। सो हम चेक करेंगे इसकी क्या प्रोग्रेस है। सो माशाल्लाह हमारी प्रोग्रेस हो गई है, ज़बरदस्त प्रोग्रेस हुई है। हम डे बाई डे पानी चेंज करते आए थे, देखें आप देख सकते हैं, ये एक सीड है, ये जो सीड है जो कामयाब नहीं हुआ है, और ये जो तीसरा सीड है जो कामयाब हो चुका है। ये तीन जो सीड हैं, हम इसको फिर दो तीन दिन और पानी में रखेंगे ताकि इसकी और प्रोग्रेस सामने आए। अलबत्ता हम अभी भी इसको कोकोपीड या नॉर्मल सीड्स में हम इसको रख सकते हैं, बालू जो मिट्टी के लाई जाती है उसमें हम रख देंगे, फिर भी ये ग्रो हो जाएगा। हम एक दो दिन फिर इस पानी में रखेंगे ताकि ये इसके और आगे की जो प्रोग्रेस है वो और हो जाए, क्योंकि पानी में इसकी ग्रोथ अच्छी होती है और जल्द भी हो जाती है। सो गाइस, हम एक दो दिन बाद फिर मुलाकात करेंगे। ये जो है 6 से 7 दिन का अमल होता है, ठीक है, जो कि हमें तो 5 दिन में मिल गया, आपको हो सकता है 7 दिन भी लग जाए। वालेकुम जी, आज हम आपके लिए न्यू अपडेट्स लाए हैं। सो हमने आपको कहा था इस बॉक्स को कैप करके रखना है ताकि सीड सही रहे। आप देख सकते हैं आज हम इसकी मट्टी में ऐड करेंगे इसको ताकि ये अपनी न्यू रूट्स डेवलप कर सके। ये देखें आप किस तरह इन्होंने रूट्स निकाली हैं, ये जर्मिनेट हो रहे हैं। सो हम दिखाएंगे कि किस तरह आप इसको मट्टी में लगा सकते हैं। सो आप देख सकते हैं हमने इसमें बालू सॉइल इस्तेमाल किए और ये गिलास है जिसमें हमने होल किए हुए हैं। हमारे पास पॉट्स नहीं है जिसकी बिना पर हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। सो हमने हाफ गिलास बालू मिट्टी ऐड की है इसमें। अब इसमें हम आगे का प्रोसेस जारी रखेंगे। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे ताकि ये मिट्टी एक जगह रुक जाए। अब हम इसमें बीज ऐड करेंगे, इस तरह हमने होल किया, बीज रख दिया, इसमें भी हमने इसी तरह बीज ऐड कर दिया। अब हम इसको मिट्टी से कवर कर देंगे। देखें हमने इसमें पानी डाल दिया है और हमने इसके बीज को मिट्टी से कवर किया है। आपको भी 1.5 इंच सिर्फ कवर करना है ताकि इसके बीज रूट्स ऊपर आ सकें, जर्मिनेट हो सके। अगर आपने 2 से 3 इंच का कवर लगा दिया तो ये बीज जर्मिनेट ना हो पाएगा और वक्त भी लग जाएगा। अब इंशाल्लाह इसकी स्प्रेडिंग शुरू होगी। सो हम आपको न्यू अपडेट के साथ मुलाकात करेंगे। ओके, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।